भागलपुर में गंगा का इन दिनों विकराल रूप दिख रहा है। गंगा का पानी शहरी व ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर चुका है, जिसे लोगों का जनजीवन प्रभावित है। इन दिनों सांप बिच्छू समेत कई जीव भी बिलबिलाते नजर आते हैं। आए दिन कहीं न कहीं सांप दिखने से लोगों के बीच हड़कंप रहता है। एशिया के सबसे जहरीले व खतरनाक रसेल वाइपर तक इस जिले में बड़ी तादाद में मिले हैं। एक तरफ जहां बाढ़ से प्रभावित लोग अपने घरों से पलायन करके सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, तो दूसरी ओर पिछले दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से सांप भी इधर उधर रेंगते पाए जा रहे हैं। भागलपुर में एक स्कूटी के अंदर सांप के छिपने से अफरा तफरी बुधवार को मची रही। गंगा किनारे बसे भागलपुर में एक तरफ जहां बाढ़ का संकट बढ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की समस्या और बढ़ा दी है। शहर के हवाई अड्डा मैदान में बड़ी तादाद में पलायन करके आए बाढ़ पीड़ित शरण लिए हुए हैं। यहाँ प्लास्टिक की तंबू लगाकर ये रह रहे हैं। इधर बुधवार को हवाई अड्डा से सटे पेट्रोल पंप पर सांप की वजह से अफरा तफरी मची रही। बता दें कि एक स्कूटी सवार अचानक गाड़ी छोड़कर हट गए, जब उन्हें महसूस हुआ कि स्कूटी में सांप छिपा है। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे सेंट्रल जेल के करीब पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। एक स्कूटी में सांप के छिपे होने से ऐसा हुआ, स्कूटी सवार फौरन गाड़ी छोड़कर हट गया। स्कूटी को स्टार्ट छोड़कर ही वो फौरन हटे और तब तक कुछ लोग जमा हो गए और स्कूटी के अंदर से सांप को निकालने की कोशिश शुरू हो गई। लोग कह रहे थे कि सांप अंदर छिप गया है, जिसके बाद स्कूटी को जमीन के सहारे लिटाकर सांप को बाहर निकालने की कोशिश की जाती रही। इधर बारिश की फुहार भी जारी रही। राह चलते लोग एक दूसरे से पूछते दिखे कि आखिर माजरा क्या है। वहीं जिले के गोराडीह प्रखंड के भागलपुर गोराडीह पथ पर जमसी गांव में पथ किनारे निर्माणाधीन भवन से मंगलवार को वन विभाग की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर रसेल वाइपर सांप को पकड़ा गया। और ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जमसी निवासी राणा प्रताप सिंह उर्फ रानू सिंह का निर्माणाधीन दुकान के बेसमेंट में खतरनाक रसेल वाइपर पर एक कोने में दुबका हुआ था और उस सांप पर निर्माण कर रहे मजदूरों की नजर पड़ी। वहीं बिहार में बाढ़ से कई लोगों की स्थिति बिगड़ी है। भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जिन इलाकों में बाढ़ की तबाही अधिक है, वहां से लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। असबौर प्रखंड के हालात पिछले कई दिनों से बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक करके यहाँ कई घर गंगा में समा चुके हैं। लोगों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो काफी अधिक वायरल हो रहा है। और गंगा भागलपुर के कई इलाकों में इस कदर अपना खौफ बनाए हुए है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। और मंगलवार को गंगा में तीन मकान महज 10 से 15 मिनट के अंदर समा गए। ये तीनों पक्के मकान किसान व पशुपालकों के थे। इन तीनों मकान के गंगा में समाने के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत है। और ग्रामीण बताते हैं कि गंगा के मुहाने पर 10 से अधिक घर अभी हैं, ये भी नदी में समा सकते हैं। वहीं गंगा को मनाने का भी प्रयास महिलाएं गीत गाकर और पूजा करके कर रही हैं। इधर गंगा का जलस्तर घट भी रहा है, लेकिन अभी भी नदी डेंजर लेवल के ऊपर ही बह रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।